मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो पहले इंडियन आइडल फाइनलिस्ट थे, जो कि इंडिया के बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, पद्मनाभ बोर्दलोई सर। तो हेलो सर। हेलो, वेलकम। तो फाइनली बहुत दिनों से मौका नहीं मिल रहा था आपसे मिलने का, आज फाइनली मौका मिला आपसे मिलने का। यहाँ पे फोटो वगैरह भी है एंड ये तो आपका देखा था मैंने, वो पूरा भरा हुआ है। और मेरे मम्मी के घर पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, वो बाद में लेके आऊंगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड स्वागत है आपका और एक नए एपिसोड पे। तो ये एपिसोड बहुत ही अलग होने वाला है, बिकॉज थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने चेकआउट कर ही लिया। तो हम लोग आज मीट करने वाले हैं बहुत ही फेमस भाई सिंगर है, पद्मनाभ बोर्दलोई, एंड वो ऑलमोस्ट आसाम में बहुत ही फेमस है। तो आज हम लोग उनसे मीटअप करने जाने वाले हैं एंड आप लोग को भी दिखाएंगे। उनका एड्रेस वगैरह तो मैं दिखा नहीं सकता, तो बस मेरा बहुत दिनों से बात हो रहा था उनसे एंड फाइनली उनको टाइम मिला आज मीटअप के लिए। तो आज हम लोग पर्सनली जाके उनसे मीटअप करेंगे एंड उनको फेलिसिएट भी करेंगे। उनके मतलब जो सॉन्ग है 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है, बिकॉज वो बहुत ही हार्ड वर्क करते थे, तो उसके वजह से भाई उनको कॉन्ग्रेचुलेट्स करेंगे। एंड ये व्लॉग ऐसा नहीं है कि भाई प्रमोशन के लिए भाई कुछ भी, ये जस्ट एक सिंपल टाइप का व्लॉग होने वाला है एंड पर्सनल व्लॉग होने वाला है। हम लोग जाएंगे डायरेक्ट एंड मीटअप वगैरह करके, बस कुछ वगैरह मतलब मेरा अपकमिंग कुछ शॉर्ट फिल्म का भाई डिस्कशन भी है उनके साथ, मतलब उन्होंने मतलब वो सिंग भी करेंगे हमारे शॉर्ट फिल्म में, तो उसके वजह से हम लोग जाके बात वगैरह करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो भाई उनको लाएंगे अपने व्लॉग में एंड आपसे भी मिलाएंगे पद्मनाभ बोर्दलोई से। तो चलते हैं एंड अभी उनके लिए भाई गामुछा लेना है, बिकॉज उनको रेस्पेक्ट भी देना पड़ेगा हम लोगों को। एंड गामुछा लेके देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे अराउंड 6 PM को, जो 6 बजे उन्होंने मैसेज किया था मेरे को। एंड इस ब्लॉग में भाई रिवील वगैरह कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक मीटअप ब्लॉग रहेगा, तो देखते रहना मैन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनली गामुछा वगैरह हो चुका एंड इसको रखते एंड देन मिलते हैं आपसे, बिकॉज रेडी वगैरह भी होना है मेरे को। तो लेट गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ एंड अभी फिलहाल मैं लाचित नगर के साइड में, बट अभी फिलहाल यहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगने वाला है। यहाँ पे टाइम देख सकते हो, ऑलमोस्ट हो चुका है 5:39 एंड हम लोग को पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 6 बज ही जाएगा। एंड यहाँ पे स्टेप्स विद मी, तो कैसा लगेगा आज सिंगर से मिलके? बहुत अच्छा। एंड मिलके क्या क्या करेगा? रील्स बनाएगा और तो लेट गाइस चलते हैं एंड जाके मीट करते हैं एंड दिखाते हैं आपको। सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी। हम लोगों ने वहाँ पे पार्क कर दिया एंड अभी हम लोग अपार्टमेंट में है। अपार्टमेंट का नाम वगैरह मैं नहीं बताना चाहता, बिकॉज एड्रेस वगैरह रिवील नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए सॉरी। बट अभी चलते एंड मीट करते हैं मैं। इसका डर देखो मैं, एंड बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि पद्मनाभ बोर्दलोई सर से भाई मिलना चाहूंगा, तो आज फाइनली मौका मिला एंड मैं बहुत ही लकी हूँ भाई कि उनसे पर्सनली मीटअप कर पाऊंगा। एंड क्या ही बोलूँ मैं, ये सब YouTube के वजह से हुआ। आज अगर YouTube ना होता तो मैं इतना प्लेटफॉर्म पे पहुंच नहीं सकता, तो मैं आज ऐसे मिल नहीं पाता उनसे। तो चलते हैं। तो लेट गाइस, फाइनली मेरा एक सपना जो है वो पूरा होने वाला है एंड आज मैं आया हूँ मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो पहले इंडियन आइडल फाइनलिस्ट थे एंड जो इंडिया के बहुत ही पॉपुलर सिंगर है पद्मनाभ बोर्दलोई सर से। तो फाइनली आज चलते हैं एंड मिलते हैं उनसे। तो हेलो सर। हेलो, वेलकम। तो फाइनली बहुत दिनों से मौका नहीं मिल रहा था आपसे मिलने का, आज फाइनली मौका मिला आपसे मिलने का। बैठो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो पहले ये है चापी का कलेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट कितना कलेक्शन होगा यहाँ पे? बहुत सारा, बहुत ज्यादा है। तो अभी
चलते हैं एंड देखते हैं म्यूजिक रूम। ओ म्यूजिक रूम, तो ये देख सकते हो यहाँ पे फोटो वगैरह भी है। एंड ये तो आपका देखा था मैंने, ये वाला किसके साथ है? ये शाहरुख खान शाहरुख खान भी है एंड यहाँ पे भी। एंड ये बहुत ही पुराना था, मतलब इंडियन आइडल का भी था आपका वो पहला का था। ये सारे गामा पा का था, यहाँ पे देख सकते हो मैं। एंड हेड का कलेक्शन भी, आपका बहुत शौक है ना, तो हेड का कलेक्शन भी है यहाँ पे। रिंग लाइट भी है वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। एंड ये सब मैंने पेंटिंग की, ये आपका है खुद से हाथ से पेंटिंग? वो तो आपको मतलब पेंटिंग का भी शौक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब आप बैठ के स्टोरी वगैरह देते हो? दिस इज माय म्यूजिक रूम, यहाँ पे मैं बैठता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बैठते हैं। ओह दिस इज हाउ आई वर्क। एंड अबाउट वगैरह भी है? हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत है, वहाँ पे पूरा भरा हुआ है। और मेरे मम्मी के घर पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, वो बाद में लेके आऊंगा, ये मेरा घर है। यहाँ पे अवार्ड वगैरह चेक आउट कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह यहाँ पे भी है। एंड ये डॉक्टर भूपेन हजारिका का नेशनल अवार्ड इनको मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड देख सकते हो, बेस्ट मेल सिंगर। एंड ये बहुत ही प्यारा है। तो लेट गाइस, देख ही लिया होगा आप लोगों ने। एंड ये था कुछ मीटअप वगैरह, पर्सनल मीटअप वगैरह, जो कि इंडिया के फेमस सिंगर है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से है, असम गुवाहाटी से है। एंड वो इंडियन आइडल के टॉप फाइनलिस्ट भी थे, तो मैंने सोचा कि भाई एक बार तो गाइस, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मीटअप वगैरह कर ले उनसे, बट हो नहीं पा रहा था पॉसिबल। एंड फाइनली कल हम लोग उनसे मिलने गए थे, एंड जो भी ब्लॉग था वो आप लोग ने चेकआउट कर ही लिया। एंड तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ब्लॉग, ये सब जो भी हो पाया आप लोगों के वजह से हो पाया, बिकॉज आज अगर मैं एक मोटो ब्लॉगर ना होता तो आज मैं शायद उनसे ना मिल पाता। तो जो भी है आप लोगों के वजह से, सारा सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहो, ठीक है? तो भाई और भी सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका करेंगे एंड आप लोगों से भी दिखाएंगे उसको, बिकॉज आप लोग जो भी हो, आप लोग एक फैमिली की तरह हो। एंड आप लोग के वजह से भाई जो भी हो रहा है, सब ये सब हो रहा है। तो इतना ही रखते हैं भाई ब्लॉग को, आई होप यू लाइक द ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड ऑलवेज टीम एंड बाय बाय।